दुरानिया दा गिरजिया दा एक हलकारा चिट्ठी लैके आ खलोता। खालसा जी भी एदा नहीं गल बननी, जे तुहाडे च कोई मर्द है ना मर्द ते फिर आ जाओ, एदा टाले टोले ना करो, असी लड़न आए तुहाडे नाल। जे तुम मैं कोई मर्द है, जे सिंघां च कोई सिखां च है मरदऊ पुणा, ते फिर आके कला बंदा साडे कले नाल लड़ लो। इथों तक कहता भी तुहाडा पंथ भी त्रिग है, खालसे पंथ नूं भी लानत है ते सिंघ नाम नूं भी। इना बचन उन्होंने जदो कौड़ा किया, सुखा सिंह बरेती दरिया दे विच रेता सी, उते सुके रेते जा गया ते उन्हें पठान नूं ललकारा मारिया। पठान दे बच्चे जे पठानी दा दुध पीता दे आ मैदान दे विच, हुण पता लगेगा हुण तेरा मुड़ना नहीं, मां दे कोल नहीं तू जा सकदा मुड़ के हुण। इस तरह कह के सिंह मैदानी बरेते च खलो गया घोड़े ते। 7.5 फुट उच्चा पठान जिहड़ा सारा शरीर लोहे नाल मणिया होया, बड़ा जवान, ओ घोड़े समेत मैदाने जंग च आ गया। उहनां दे हत्थां च बड़ियां कीमती तलवारां फुलादी, कहिंदे तूं वार कर, ओ कहिंदा तूं कर, एदां एक दूजी नूं ललकार देने, दोवें अड़न लगे पैंतड़े लै लै के। बाबा सुखा सिंह बोलिया, पठान बच्चे संभल तगड़ा हो, तेनू कोई डर है मेरे तों, ते इक होर लै आ अपने नाल। पठान कहिंदा मैं कला ही शेर हां, तू कोई अपने नाल बुलाना तां बुला लै। दोवां ने आमणे सामणे घोड़े कर दिते, घोड़े भी बड़े जंगी सन दोवां दे। बस सुखा सिंह कहिंदे वार पहला कर लै तू, ते दूजी नूं कहिंदा तू कर लै। जिवें दो भरा होण वापस प्यार दीआं गल्लां कर रहे, सूरमियां दीआं खेडां हुंदीआं, सूरमियां दा प्यार इही हुंदा, मैदाने जंग च पता लगदा। दोवां ने सामणे आ के वार कीते तेगां दे, दोवें फुर्तीले ढालां दे रोक गए इक दूजी दा वार। इक दूजी दे वार करदे ढालां टुट के टोटे टोटे हो गईआं, ढालां टुट गईआं ते फिर संजोआं दे उत्ते वार वज्जण लग पए। पिंडे दे दोवां ने संजोआं पानी पाईआं होईआं सन, कहिंदे तलवारां दे नाल संजोआं दे वी कड़ियां टुट गईआं, वड्डीआं गईआं। फिर दोवें घोड़े नेड़े आ गए ते इक दूजी नाल जख्म जफ्फी हो गए, ते घोड़े तो दोवे थले डिग पे, सुखा सिंह भी ते पठान भी। ओ अथी हो गई मुकाबला, जिवे पहलवान घुलदे ने आपस विच, घोड़िया च भी ताकत ना रही ते जवाना दा भी जोर लग गया। घोड़िया नाल घोड़े लड़ने करदे सी, इह भी जंग दी दा हुंदा सी, घोड़िया नूं सिखाया हुंदा सी। जफ्फम जफ्फी हो के जमीन ते डिग पे, ते दोवां नूं इन्ने सट्टां लग गईआं, इन्ने फट लग गए भी मूर्छित च बेहोश हो के डिग पे दोवे। बाबा सुखा सिंह जी नूं परमेश्वर दी कृपा नाल थोड़ी जी होश आई, ओहदे उपर जा के छाती ते बह गए पठान दे, ते अपनी खंजर कढ के ओहदे पेट विच फसा दित्ती। जिहड़ा कालजा ना इत्थे मारी, ते कहिंदे कालजा कढ के बाहर ले आई, पेट दे विच फसा दित्ती बाबे सुखा सिंह ने पठान दे। अंदरां ही कढ लईआं सारियां, ओजरी कढ ली बाहर, कालजा कढ लिया मार के पंजा, मार के पठान नूं छाल मार के खलोया, ते फतेह गज के गजा दित्ती। घारी पठान सीगा 7.5 फुट उच्चा, 7.5 मन दा भार, ओ पठान बाबे सुखा सिंह ने मार लिया मैदाने जंग विच। फतेह पा के पिछा नूं मुड़े, शरीर चो खून वग रहा बहुत, पर चेहरे ते खुशी दा प्रगटावा भी मोर्चा फतेह हो गया। दौड़ के सिंघां वल आ गया खालसे को, सिंघ भी ओनू चुकण वास्ते दौड़े, जेड़े कदी कई महीनिया दे बाटा वखरा करी फिरदे सीगे, ओही खालसा फिर खुशियां दे घर च आ गया। गिरजिया ने हल्ला कर दिता भी साडा बंदा मार के ए किवें चला जावे, उस बाबे सुखा सिंह नूं मारन लई पिछों आ गए। सिंह बंदूकां पहलां ही कसी बैठे सन, इन्हां ने मोर्चा मल लिया जा के। सुखा सिंह जी दी बांह फड़ के चढ़त सिंह ने अपने घोड़े ते बा लिया, ओ जहेदार जी आओ, ते अपने घोड़े ते बा के लै आया उस नूं। घोड़े दित्ते दे नाल धन आख्या सुखा सिंह, धन वी तू शेरा, अज पंथ दी लाज रख लई है तू।